हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 तारीख 21 मई और सुबह के बज रहे हैं 8:15। ये यहाँ पे कुकर चढ़ाया है चूल्हे पे, इसमें काले चने डाले हैं तो ये पकता रहेगा यहाँ पे। और मौसम कुछ ऐसा है, धूप खिल रही है अच्छी खासी, सूरज देवता जी प्रसन्न है, मशीन ऐसी बाहर पड़ी है और हम जा रहे हैं खेत में गेहूँ काटने के लिए। पर मैंने सोचा चलो पहले आपको हरे हरे पेड़ पौधे दिखा देती हूँ। ये देखो ऊपर का नज़ारा। चलो अब अपनी शक्ल भी दिखा देती हूँ, मुँह नहीं धोया है, कुछ नहीं, सुबह सुबह ही बस। अब जा रही हूँ मैं गेहूँ। हाँ यहाँ पे शक्ल ठीक आ रही है। अभी जा रहे हैं गेहूँ के खेत में। मम्मी और दीदी चले गए हैं, पापा भी चले गए हैं, आदित्य भी चला गया, परीक्षित सो रहा है, ब्रेकफास्ट कर लिया है सुबह ही, आज जल्दी हो गया था सब कुछ। तो बस अभी जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए, देखते हैं कितनी देर काटते हैं, क्योंकि फिर मुझे आके ये जो ये कुकर पे चने डले हैं ना ये भी बनाने आके। तो चलो जाती हूँ खेत में, देखती हूँ अगर खेत में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कैप्चर करने लायक तो कर लूँगी, नहीं तो फिर आपसे आके ही मिलती हूँ अब। और जो हिमाचल से देख रहे हैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि अपना थोड़ा ध्यान रखना यार, हिमाचल में डे बाय डे जो है वो केसेस, नए नए केस बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, खासकर कांगड़ा वाले। बाकी भी ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कांगड़ा वाले। तो चलो हाय कर दो। आप भी आ रहे हो? हाँ हाय कर दो। तो चलो मैं जाती हूँ अभी खेत में, फिर उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा कर लेते हैं काम। धूप तेज हो रही है ना, फिर और तेज हो जाएगी तो फिर काटिंग नहीं जाएगी गेहूँ खेत में बैठ के, धूप बहुत लगती है। चलिए आज आपको दिखाती हूँ अपने स्पेशल तरीके से बने हुए काले चने। काले चने जो है हमने पहले ही उबाल के रख दिए थे, मतलब अच्छे खासे उबालने हैं ताकि उनमें जो है सॉफ्ट हो जाए चने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया, सरसों का तेल का तड़का लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया डाल दिया है, साबुत ज़ीरा डाल दिया है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि तेल ज़्यादा क्यों डालते हैं, तो यहाँ पे खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही बनता है तो उतना ज़्यादा तेल में चल जाता है, और वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, तेल कढ़ाई में ज़्यादा ही दिखता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें हींग, तो ये तो मस्ट है चीज़ें जो मैंने डाली है, हींग, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा। तो ज़ीरा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो जैसे ही ये मसाले, ये देखिए अब कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, जिसको मैंने कुंडी में पीस लिया है। तो ये दो प्याज थे छोटे साइज़ के, मतलब बहुत बड़े साइज़ के प्याज नहीं थे, तो कुंडी में पीस लिया है। कुंडी में पीसे हुए प्याज और लहसुन का ना जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया आता है, जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा टेस्ट। तो यहाँ पे मैं मसाले रेडी कर रही हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है जो कि देगी मिर्च पाउडर है, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हल्दी। आपने मुझे देखा होगा मसाले ज़्यादातर मैं ऐसे ही डालती हूँ जब भी कुछ ग्रेवी वाली, थिक ग्रेवी वाली चीज़ बननी होती है। तो ये नमक ले लिया मैंने, वैसे चने जब उबाले थे तो उनमें थोड़ा नमक पहले भी डाल दिया था, तो नमक अपने हिसाब से डालना है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधे से चम्मच लिया है मैंने, ये अपने ही घर का है हमारे लाल मिर्च पाउडर। और ये ले लिया मैंने यहाँ पे गरम मसाला जिसमें सिर्फ जीरा ही है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाले अगर हम ऐड करते हो तो मसाले अच्छे से पक भी जाते हैं और खाने में जो कलर आता है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ये मसाले जो है पक जाएंगे तो थोड़ा सा तेल जो है आपको दिखने लगेगा। तो मसाले पके, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही में मैंने एक चम्मच मक्की का आटा डाल लिया था, आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं। तो ये दही घर का दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत मीठा भी नहीं है, एकदम इसको जो है फाइनली हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा कर देना है, मतलब लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसमें, या जो भी रहते हैं ना दाने दाने से रह जाते हैं दही में, वैसे नहीं रहने चाहिए। और बेसन मिला रहे हो तो बेसन भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। यहाँ पे ये चने हैं काले चने,
तो इनको मैंने आधे चने मैंने ऐसे ही रखे हैं कुकर में, आधे मैं पीस रही हूँ ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी थिक सी बने, अदरवाइज़ काले चने जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहते हैं, खड़े खड़े से रहते हैं तो कई बार खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पीस लिया था कुंडी में ही, और अब इसको मैं इसमें तड़के में डाल दे रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कलर कितना जल्दी चेंज कर लिया। तो आपने मुझे देखा होगा कि टमाटर हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कुकर जो है चूल्हे पे था, चूल्हे पे पकाए गए हैं, तो माइंड मत करना, बाहर से इसमें राख का लेप दिया है। ये बाकी के चने भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप चावल का आटा डाल सकते हो, चावल का आटा नहीं हो तो फिर मक्की का आटा डाल सकते हो, मक्की का आटा नहीं है तो आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, ज़्यादा तो क्योंकि डालना नहीं है, एक चम्मच ही डालना है। तो बस ये चने जो हैं इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से गैस पे, इनको 10-15 मिनट और लगेंगे ताकि चने और ज़्यादा पक जाए और ये फ्लेवर जो है दही वाला ये भी आ जाए इनमें। तो चलिए, आप लोगों की इतनी डिमांड थी तो शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो यहाँ पे ये अनारदाना मैंने ले लिया है, इसको पहले पीस लेंगे। अगर आप इसको अनारदाने को पहले भिगो दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये अच्छे से पिस जाता है। तो यहाँ पे अनारदाना जो मैंने पीस लिया है इसको मैं साइड में निकाल दूँगी। तो पुदीना और धनिया और गुलाब के पत्ते वो मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिए धोने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल जो होते हैं वो, इनको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी इसमें, थोड़ा बहुत ही जो बेसिक सा मसाला होता है वो। तो ज़ीरे को भी अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप ऐसे ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा ज़ीरे को भून के भी डाल सकते हो तो जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले रही हूँ दो, अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, हमारे पास घर पे पिसा हुआ है, अगर आपके पास जैसा भी मिलता है आपको मार्केट से वैसा भी ले सकते हो, वैसे हरी मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये पुदीना, गुलाब की पंखुड़ियाँ और धनिया जो है इसको हम इसमें कुंडी में डाल के अब कूट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, प्याज मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, वैसे प्याज भी डलता है। तो यहाँ पे अब बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, नमक ऐड कर दिया है मैंने, और ये जो अनारदाना हमने पीस के रखा था ये ऐड कर देंगे, और चीनी डालेंगे इसमें क्योंकि खट्टा मीठा नमकीन टैंगी सा टेस्ट चटनी का बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं, इमली को भिगो के उसको ग्राइंड करके मतलब गुठलियाँ निकालने के बाद। और ये देखिए अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे चटनी को। चटनी बनके रेडी है हिमाचली पुदीने की चटनी, इसमें बस अब हम पानी डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगी। इसको तोंगे में ट्रांसफर कर देंगे कुंडी से और फिर इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है, पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे, बस फिर ये चटनी। आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो चने हमारे बनके रेडी है, थोड़ी देर में और गाढ़े हो जाएंगे बट बन गए हैं ये। और ये भी यहाँ पे चटनी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और ये भी रेडी हो गई है। इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और ये रहे यहाँ पे चावल बनके। हाय, गुड इवनिंग, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि मैक्स क्या पूरा दिन भर ऊपर रहता है। नहीं, मैक्स का यहाँ पे बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। तो दिन में जब धूप होती है तो ये यहाँ रहता है और शाम के टाइम जब थोड़ी छत पे धूप कम हो जाती है, वैसे छत पे भी एक जगह शेड है तो वहाँ पे छांव रहती है तो ये वहाँ पे भी चला जाता है। तो सुबह से लेके खाना वगैरह बनाया दिन में, उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की है आप लोगों से क्योंकि दिन में कुछ ऐसा रहता नहीं है, सोने का ही टाइम होता है, नहाना खाना सोना। तो अभी हम जा रहे हैं गेहूँ, क्योंकि अब आप मुझे मैक्सिमम खेत में ही देखोगे, मैं अब आपको खेत में ही दिखने वाली हूँ थोड़े दिन। तो बस यहाँ पे ये चप्पल पहन रही हूँ, ये मैंने आज फुल स्लीव्स का पहन लिया है कॉलर वाला, क्योंकि सूट्स ना मेरे, मिनट बैठ के ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे जो सूट है ना उनकी बाजू या तो आधी आधी है और फिर गले मतलब वो है बंद वाले नहीं है, बंद वाले बहुत कम है, तो इसलिए मैंने ये कॉलर वाला पहन लिया है ताकि धूप से भी थोड़ा सा बच जाऊं मैं। और ऊपर वो कनक के ना गेहूं के चुभने वाले गिरते हैं तो फिर बड़ी इरिटेशन होती है और चींटियां वगैरह भी होती है। सुबह भी मुझे पीठ में बहुत जोर से चींटी ने काटा है तो उसमें इतना बड़ा फोड़ा सा निकल गया है, तो चींटियां वगैरह भी चली जाती है कपड़ों पर, तो उससे भी
बचने का ये बंद वाला सही तरीका है। और ये दुपट्टा मैंने ले लिया है मुंह में बांधने के लिए। और चलो अब चलती हूँ खेत में। चिड़िया आ गई अभी भी, ये आती रहती है पूरा दिन भर। दिन में थोड़ी देर के लिए आराम रहता है, सुबह और शाम जब थोड़ी शाम ढलने लगती है ना फिर बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आने लगती है। चलो चलते हैं अब। ये लेके आए आज पाइप, क्योंकि अभी इसका काम होने वाला है ना टैंक का शुरू, तो फिर उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये यहाँ रखिए, इससे पहले दरवाजे में कुंडी लगाना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे तो कुछ नहीं है बट स्टिल। चलो चलते हैं खेत की तरफ। शॉर्टकट ही करूंगी यहां से, छलांगे मारते हुए नीचे को। ये रहे ताऊ जी, जा रहे हैं। आदित भी है और परीक्षित, दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे खेत में आ गए हम लोग। ये बाकी चाचे वगैरह है गाँव के, वो भी आ गए हेल्प करने के लिए। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज़ है, ये चलता ही है। रिवाज़ क्या मतलब, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक जो है कर्टसी होती है, सब एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं। जुआरे नहीं है, जुआरे जब जाते हैं ना, जब बोलते हैं आपकी जुआरे लगे हैं, तो जुआरे में ये होता है कि पूरा दिन भर बुला के करते हैं कि हाँ आपने आना है, ये काम करना है। बट ऐसा नहीं, ये वाला ये वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें ये होता है कि जैसे ही जिसको टाइम लगता है वो उस हिसाब से आ जाता है। किसी को शाम के टाइम थोड़ा टाइम निकाल के आ जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो नीला नीला आसमान भी दिखा देती हूँ आपको, और साथ ही साथ गेहूं की कटाई ये भी दिखा देती हूँ। कपड़े मत करना गंदे अब, ठीक है? लगता है मंद मंद चाल में अपने काम करने। मेरे दर्द हो रही है, फिंगर है तेरी लेंस पे। नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, इसमें नहीं। खुद ले यार, मेरे दर्द हो रही है। तुझसे भी आ रहे कुछ नहीं, बदल रही है कैसे हैंडपंप चला के। अच्छा मेरी बना ले भाई। तो ये देखो यहाँ पे ये है चूहे का बिल। ये सब देख के ना बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये बहुत गेहूं बर्बाद करते हैं। पर चलो, जो इनके हिस्से का है वो ये भी खाएंगे। जो बोलते हैं ना, दाने दाने भी लिखा है खाने वाले का नाम, पर फिर भी बड़ा दुख होता है क्योंकि बहुत ख़राब कर देते हैं ये फसल को। बच्चा पत्ता बन दिता लगने कदी ढोई था। ये मेरा पीछे छोड़े गए। चलो हाँ
बस मुझे इतनी सी भूख आई है। ये देखो ये वाली मैंने और चाची ने, मतलब हम दोनों ने काटी है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बीच में हरी थी इसलिए हम लोग भी आगे चले गए थे। ये देखो ये खेत हो ही जाएगा आई थिंक एक दो दिन में, काफी है वैसे अभी काटने के लिए। और जो वहां पे काट दी थी ना वो ऊपर रख दी है, ये देखो ये दिख रही है आपको, ऊपर रख दी है। और ऐसे कीड़े होते हैं खेत में, ये देखो ये थोड़ी बहुत अगर गिल्ली होगी तो सूख जाएगी, ये यहीं पे ऐसे खेत में रहेगी, यहाँ पर सूखती रहेगी। और ये रे पापा अपने पौधों को हरी मिर्च और बैंगन लगाए हैं, उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे निकालो, अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ, मेरे ना इतनी सारी, ये देखो यहाँ पे छिल गया, यहाँ पे छिल गया, यहाँ पे छिल गया, ये उंगलियां पूरी छिल गई है। एक्चुअली क्या होता है ना जब गेहूं को ऐसे काटते हो ना उसके वो नीचे से डंडे से निकले रहते हैं तो वो चुभ जाते हैं, तो ये होता है। वैसे तो देखने में बहुत छोटी सी लगती है ना, बट जब नमक वाला या कुछ वैसा काम करते हैं ना मसाले वाला तो बड़े खतरनाक तरीके से लगती है इसमें जलन। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, अब मैं बनाऊंगी सब्जी। सब्जी आज बनेगी शिमला मिर्च और आलू, तो वो मैं अभी इस व्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये लाइन मेरे मुंह पर रट गई है, मुझे याद हो गई याद हो गई है, अब ये खुद ब खुद ऐसी फ्लो में निकलती है। मम्मी दीदी और वो चाची वगैरह सब खेत में ही है, हाथ में ना छाले भी आ गए, तो एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ये सब काम करने की। हाँ ले लो, थ्री की थ्री मत खा लेना आप, थ्री की थ्री मत खा लेना, वन ही खाना, वन वन करके खाना बस। तो आता है काम बट आदत नहीं है क्योंकि करा नहीं ना कभी, तो बस ऐसे ही। देखो छाले आ रहे हैं, ये वाला फूट गया। तो चलो फिर बाय बाय, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।